एंट्रोपी से आप क्या समझते हैं और किसी प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज आप कैसे मालूम करोगे? नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है? एंट्रोपी कॉन्सेप्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो भैया इस टॉपिक को हमने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। फिर क्या पढ़ेंगे? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज। फिर क्या? एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स। फिर क्या? एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट फ्लो। फिर चेंज इन एंट्रोपी विद टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। फिर क्या है? चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज। फिर क्या? एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। तो पहले बात क्या करते हैं, बताओ भाई, बताओ डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी कि एंट्रोपी क्या होती है भाई। ठीक है, आपने सुना होगा डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, बताओ ना आपको भाई। अगर किसी चीज की एंट्रोपी बढ़ जाए, देखो कोई हमारे पास सिस्टम है तो वो ज्यादा ऑर्डर्ड है कि कम ऑर्डर्ड है, उसके अंदर ऑर्डर ज्यादा है कि केओस है। अगर उसके अंदर ऑर्डर ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि उसकी एंट्रोपी कम है, और उसके अंदर बेटा केओस ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा केओस ज्यादा एंट्रोपी, कम केओस कम एंट्रोपी। ठीक है बात। लेकिन थोड़ा इसको मैथमेटिकली समझने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आप एक बार रिकॉल करो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने जो कार्नोट हीट इंजन था उसकी आपने एफिशिएंसी की बात की थी, इजंट इट? बताओ वहां पर एफिशिएंसी क्या आ करती, वो आ करती T2 - T1 / T2 और बेटा क्या आ करती बताओ, Q2 - Q1 / Q2। ये दोनों ही डेफिनेशन किसकी थी हमारे पास, जहां पर T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स, और Q1 - Q2 क्या है, Q2 क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T2, और Q1 क्या है, हीट रिटर्न्ड टू सिंक एट टेम्परेचर T1। ये था हमारे पास, तो दोनों बेटा बराबर है, तो मैं ये नहीं बोल सकता। तो आप एक बार थोड़ा इसको T2 को दोनों के भाग में लिखियो, तो ऊपर वाला क्या, तो लेफ्ट साइड साइड वाला क्या बन जाएगा, T2 / T2, तो 1 माइनस नीचे इस साइड वाला क्या बन जाएगा, तो T2 / T2 1, तो 1 माइनस T1 / T2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q1 / Q2 हो गया। अब बेटा 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो T1 / T2 इज इक्वल टू Q1 / Q2। तो अब बेटा Q1 इस साइड ले आओ, तो क्या है मेरे पास बताओ, तो T1 साइड ले जाओ, Q2 यहां ले आओ, बताओ क्या है मेरे पास, ये तो Q2 / T2 विल बी इक्वल टू, बोलो भाई Q1 / T1। तो आप बताओ, आप बेटा मुझे बताओ कि अगर P1 V1 बराबर होता है P2 V2, इसका मतलब क्या होता है कि ये बढ़ता है तो घटता होगा ना, यानी इनकी मल्टीप्लाई क्या कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब बेटा क्या, अगर Q2 / T2 बराबर Q1 / T1, इसका मतलब Q3 / T3 बराबर हो इनके, Q4 / T4 बराबर हो इनके। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर Q/T जैसे यहाँ पर PV कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये डिवीजन क्या होना चाहिए बेटा, Q/T ही क्या होता है कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। पता आपको पहले पड़ गई, तो ये जो क्वांटिटी है क्या, तो बताओ बेटा हम क्या बोलेंगे, तो हमारे पास क्या है, Q/T इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आप बताओ किसी भी सिस्टम के लिए द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच इट टेक्स प्लेस इज कॉन्स्टेंट। आ गया आपको, अरे बोलो, तो डम दो, अगर मैं ये कहूं, अगर तो कोई भी सिस्टम आइसोथर्मली जो हीट लॉस करता है एट टेम्परेचर T1, और दूसरा सिस्टम जो हीट गेन करता सराउंडिंग, समझे बात, वो कांस्टेंट होएगा ना। तो अगर मैं ये कहूं कि मान लिया भाई दो एक सिस्टम एक सराउंडिंग है, तो सिस्टम ने मान लिया हीट कितनी लूज कर दी, तो उसकी बताओ एंट्रोपी क्या होगी, Q1 / T1। ठीक है बात, तो ये तो क्या पॉजिटिव। लेकिन मान लिया भाई सराउंडिंग ने हीट तो क्या कर दी, गेन कर ली, तो ये माइनस कर दो, उसने तो क्या कर दी,
हीट लूज कर दी भाई, सराउंडिंग हीट लूज की, इसका मतलब तो माइनस क्यू टू बाई टी टू इज इक्वल टू, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि भाई वहां पर तो हमने, अरे भाई क्योंकि एक में हीट क्या है, अगर मान लिया अगर सराउंडिंग से हीट कहां चली है, सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के लिए क्यू बाई टी क्या होगी, क्योंकि टी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर सराउंडिंग से हीट कहां चली जाए, सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, तो सराउंडिंग के लिए क्या होगा, क्यू माइनस का होगा, और सिस्टम के लिए क्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर मान लिया भाई सिस्टम से हीट चली सराउंड, तो क्या होगा, सिस्टम के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और सराउंडिंग के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, बात आपको पहले पड़ी, तो हम क्या बोले, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, तो क्यू टू बाई टी टू विल बी इक्वल टू माइनस क्यू वन बाई टी वन, बराबर होंगे ना, साइन क्यू टू लिखे मैंने, क्योंकि एक ने हीट लॉस, हीट लूज की, एक ने हीट गेन की, समझे बात, तो इसको साइड लेके आओगे तो बेटा सम क्या है मेरे पास, जीरो आएगा ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर बताओ क्या है हमारे पास, तो क्यू टू बाई टी टू प्लस क्यू वन बाई टी वन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना, और अगर ये दो स्टेप ना हो के हमारे पास कई सारे स्टेप होते, क्यू थ्री टी थ्री, क्यू फोर टी फोर, तो बेटा सभी का समेशन क्या होना चाहिए मेरे पास, समेशन क्यू बाई टी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना, तो आप बेटा एक रिवर्सिबल क्या मान लो, प्रोसेस, आप मान लो ए से कहां पर गए बी में, और बी से बताओ वापस कहां पर आ गए, ए में आ गए, तो इन सभी का अगर मैं एंट्रोपी चेंज ऐड कर दूंगा तो बेटा क्या होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आ तो गए यहीं पर, ए से बी और बी से यहां पर, तो ए से बी जो हीट होगी वही क्या है हमारे पास, जो सॉरी जो एंट्रोपी चेंज क्या होगा ए से बी, वही क्या होगा हमारे पास, बी से ए आएगा, तो दोनों क्या होता हमारे पास, बोलो भाई, ये मानो हर एक साइकिल के लिए बताओ, तो आप मानो क्योंकि हर एक साइकिल में बहुत थोड़ी हीट इन्वॉल्व है, आप क्या मानो हर एक साइकिल में बहुत थोड़ी हीट क्या है, इन्वॉल्व है, तो क्यू की बजाय आप क्या मान लो, डी क्यू मान लो, आपने बेटा एक बड़ा साइकिल था, आपने एक प्रोसेस है, आपने उसमें एक बड़ा साइकिल के किसने तोड़ दिया, बहुत सारे छोटे छोटे कारनोट साइकिल में, इजंट, क्योंकि भाई ये बात किसके लिए ट्रू है, कारनोट साइकिल्स के लिए बात ट्रू नहीं है क्या, पक्की बात है ना, तो आप एक काम करो भाई, मान लिया हमारे पास यहां से लेके यहां तक, तो आप बेटा इसको बहुत सारे छोटे छोटे बताओ किन में तोड़ सकते हो, कारनोट साइकिल्स के अंदर, नहीं बताओ कुबले पड़ी, ठीक, देखो ये क्या है, कारनोट साइकिल ही भी है, कारनोट साइकिल, कारनोट साइकिल नहीं है आपको, तो एक कारनोट साइकिल में मान लो भाई हीट कौन सी इन्वॉल्व है, डी क्यू, क्या डी क्यू, ठीक है, तो तुम क्या बोलेंगे, तो डी क्यू बाई टी बताओ क्या होना चाहिए, समेशन एट जीरो, इसका मतलब बताओ क्या बेटा, इसका मतलब ये है ए से बी जाने का एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, बी से ए आने के एंट्रोपी चेंज के इक्वल होना चाहिए, लेकिन साइन, लेकिन साइन क्या है, उल्टा होगा, इनको जो डिसाइड लेके बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे, क्यू बाई टी फ्रॉम ए टू बी बराबर होगा किसके, क्यू बाई टी फ्रॉम बी टू ए, लेकिन साइन क्या आ गया, नेगेटिव, अब बताओ क्या मेरे पास, तो एक बताओ एंट्रोपी क्या हमारे पास, एस ए, और एक बताओ मेरे पास स्टेट एंट्रोपी क्या है, एस बी, ए पॉइंट पे एंट्रोपी क्या है, एस ए, और बताओ बी पॉइंट पे एंट्रोपी क्या मेरे पास, तो इसको बताओ बेटा हम क्या बोलेंगे, डेल्टा, अरे भाई अगर मैं सिर्फ मुझे पता करना हो तो यहां से अब वापस यहां पर आ गया तो टोटल एंट्रोपी जीरो आएगा, लेकिन मैं सिर्फ ए से कहां जाऊं, बी जाऊं, मैं ए से कहां पर जाऊं, बी, तो बताओ एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, तो बी पे एंट्रोपी और ए पे एंट्रोपी, तो एस बी माइनस एस, वो क्या हुआ हमारे पास, चेंज इन एंट्रोपी, इजंट इट, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू क्यू बाई टी, इजंट इट, तो क्यू बाई टी क्वांटिटी को तुम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज, क्या बेटा, आप इसे कुछ, आप इसे कुछ कर लो, ए से बी जाओ, बी से ए जाओ, तो दोनों क्या हमारे पास ये डिफरेंस है, दोनों के एंट्रोपीज का मेरे पास क्या भाई डिफरेंस है, क्या बेटा एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, वो तो डिपेंड करता है ना कि हीट लॉस हुआ है कि हीट गेन हुआ है, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, अगर हीट गेन हुआ है तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, अगर हीट लॉस हुआ हो ना एट कॉन्स्टेंट तो क्या हुआ है, तो बेटा एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो जाएगा, आगे मतलब सिंपली क्या है, डेल्टा क्या होता है, क्यू बाई टी, ओके, और क्यू डेल्स बाई टी, अब बताओ आप मुझे, ठीक है, अच्छा स्मॉल चेंज के लिए क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या मेरे पास क्या है, क्यू बाई टी ना, और स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा, इसको डेल क्यू कर दियो, डी सॉरी यहां पर लिखा नहीं हुआ, डी क्यू बाई टी कर दियो इसको, आगे ना आपको डी क्यू बाई टी, टी तो कॉन्स्टेंट एबिलिटी नहीं करना है, आगे आपको ये, अच्छा अब बताओ
अब अगर मैं ये कहूं एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई चीज हीट गेन कर लेती है तो इसको एंट्रोपी बढ़ जाएगी ना। वो तो मान लिया हमारे पास पानी है और सॉरी हमारे पास बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप उसको बेटा हीट सप्लाई कर दोगे तो बर्फ मेल्ट हो जाएगी ना। तो आप बताओ सॉलिड आइस में ज्यादा ऑर्डर था कि लिक्विड में ज्यादा ऑर्डर होता है, ज्यादा रेंडमनेस का होती है लिक्विड के अंदर, है ना, वहां पर ऑर्डर कम होता है ना। तो हम समझ गए भाई कि वहां पर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आया ना, क्यू बाई डेल्टा टी, सॉरी क्यू बाई टी, यहां पर क्या है टी कॉन्स्टेंट है, क्यू बाई टी। तो हम बेटा बताओ क्या हुआ, क्यों वहां पर क्या हुआ है, क्यों वहां पर क्या हो गया, सॉरी क्यों वहां पर पॉजिटिव नहीं है, सिस्टम को हमने हीट दी है तो उसने एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा मतलब नहीं आपको ये। तो अब बताओ भाई अगर मैं ये कहूं एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर मान लिया हमारे पास क्या, बताओ भाई अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके अंदर एंट्रोपी चेंज कैसे आएगा, ठीक है। थोड़ा सिंपल सी बात है, ये मानो कि सराउंड सिस्टम ने बताओ कितनी हीट लूज की है, बताओ बताओ सिस्टम ने कितनी हीट मान लिया गेन की है, क्यों रिवर्सिबल बाई टी, तो डेल्टा सराउंड सिस्टम क्या होगी, क्यों बाई टी आएगी ना। लेकिन इतनी हीट मान लिया सराउंडिंग ने क्या कर दी, लूज कर दी रिवर्सिबली, तो बेटा सराउंडिंग बताओ क्या आएगी, माइनस क्यों रिवर्सिबिलिटी आएगी ना। तो ये बताओ क्या है सिस्टम का एंट्रोपी, मेरे पास क्या है सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज, तो टोटल एंट्रोपी चेंज बताओ क्या है मेरे पास, बताओ तो सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का, क्या वो रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यों बाई टी होगा। अब दोनों ही क्या है मेरे पास, ये रिवर्सिबल है दोनों बराबर नहीं क्वांटिटी है, तो ये भी क्या बेटा ये और ये और ये बराबर नहीं हुई क्या, तो डिफरेंस क्या है जीरो। तो इसलिए क्या बोलते हैं सभी रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज, नेट एंट्रोपी चेंज क्या होता है बेटा, सभी रिवर्सिबल प्रोसेसेस का नेट एंट्रोपी चेंज क्या होगा जीरो। अब बताओ हम क्या बात करते हैं कि भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस का, ये हमारा था आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आप ही मानो कि डेल्टा एस सराउंड, अब तो ध्यान रखियो अगर एक भी पार्ट पूरी प्रोसेस का एक भी पार्ट बताओ क्या हो गया इरिवर्सिबल, तो पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी इरिवर्सिबल, बात आपको पहले पड़ी। अब मानो सिस्टम ने कितनी हीट गेन की है क्यों रिवर्सिबल, तो बेटा डेल्टा एस सिस्टम बताओ क्या आएगी हमारे पास, क्यों रिवर्सिबल बाई टी आएगी। लेकिन मानो सराउंडिंग का हीट लॉस कैसे है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल ही, अब वो तो क्या हमारे पास ये, तो डेल्टा एस बेटा सराउंडिंग क्या आएगी हमारे पास माइनस क्यों इरिवर्सिबल बाई टी आएगा ना। अब टोटल एंट्रोपी चेंज तो क्या दोनों का सम होना चाहिए, तो क्या आएगा, तो क्यों तुम क्या बोलेंगे डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, बोलो भाई हमने ये निकालना है ना, ठीक है। तो क्या आएगा क्यों रिवर्सिबल, क्यों रिवर्सिबल बाय टी, बोलो भाई बाय टी माइनस क्यों आई रिवर्सिबल, रिवर्सिबल बाय टी होएगा ना। अब बेटा बताओ नहीं, अब बताओ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं ये रिवर्सिबल ये रिवर्सिबल, हाँ अब बताओ बेटा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यों क्यों आया करती, बताओ क्यों क्या डेल्टा ई, नहीं आप बताओ वहां पर वहां पर ई टू क्या आया करती, ई टू आया करती बेटा वहां पर ई टू आया करती, बताओ क्या क्यू प्लस डब्लू, क्यू प्लस डब्लू प्लस ई वन आया करती ना हमारे पास, है ना। तो बताओ तो डेल्टा ई क्या आया करती, बताओ क्यू प्लस डब्लू होती ना, इजंट इट। और अगर बेटा मान लिया वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, क्या है वर्क ऑफ एक्सपेंशन, तो बताओ बताओ क्यों क्या क्यों क्या क्यों क्या हो जाएगा डेल ई माइनस डब्लू हो जाएगा ना, इजंट इट। अब आप मुझे बताओगे कि बताओ क्यों की वैल्यू क्या होती है, तो बेटा क्यों की वैल्यू क्या होती है डेल ई माइनस डब्लू होती है ना, समझे बात। तो यहां पर एक तो क्या होगा डब्लू रिवर्सिबल, क्या डब्लू
तो बेटा क्यों रिवर्सिबल क्या होगा, डेल ई माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। बेटा क्यों इरिवर्सिबल क्या होगा, डेल ई माइनस। अब बताओ इनमें ज्यादा कौन सा होता है, नहीं अब आप मुझे बताओ कि अब ज्यादा कौन सा होता है इनके अंदर, नहीं अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क के अंदर बताओ बेटा। मैंने आपको ज्यादा होता कौन सा बताया था बताओ, और मैं यहां पर अगर इसको डेल ई की फॉर्म में लिखूं बताओ क्या, और अगर मान लिया हमारे पास अच्छा ये आ गया था, हाँ तो आप ये बताओ तो क्यों मेरे पास ये आ गया, इजंट इट। अरे भैया बताओ मेरे पास डेल ई क्या होगा, मेरे पास यहां से निकालू तो मैं बताओ ये होता है, और एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा नहीं, तो डेल ई इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू होगा ना, अगर क्या होता एक्सपेंशन वर्क होता, ये होता हमारे पास। तो आप ये बताओ कि अगर क्यू, अब ये डिफरेंस क्या रहना है कॉन्स्टेंट, अब अगर मान लिया यहां पर, अब आपको ये पता है मैं कहूं ये डिफरेंस मुझे पांच रखना है, ये डिफरेंस मुझे पांच रखना, पांच पांच यूनिट वैसे ही ठीक है, तो अगर ये W रिवर्सिबल और यहां पर क्या है एक बारी, यहां पर क्या आएगा क्यू रिवर्सिबल और W नहीं क्यू रिवर्सिबल W रिवर्सिबल और क्या आएगा क्यू इरिवर्सिबल डब्ल्यू रिवर्सिबल। अब डिफरेंस क्या रखना आपने सेम इजंट इट, तो अगर मान लिया यहां मैं 10 रखूं और यहां रखूं 15 क्या, तो डिफरेंस आया 5। अगर बेटा मैं W कितना रखता हूं 5 10 और रखता हूं 15 तो डिफरेंस मेरे पास क्या है 5 आया ना इजंट इट। अब अगर मैं इसको 7 रखता हूं तो इसको मुझे कितना रखना पड़ेगा, तो 12 नहीं है आपको, तो डिफरेंस क्या रहे मेरे पास 5 ही रहे, और हमको पता है W रिवर्सिबल के मुकाबले W इरिवर्सिबल क्या होता है कम होता है ना, इसका मतलब क्या है क्यू रिवर्सिबल के मुकाबले क्यू इरिवर्सिबल भी क्या हो कम होगा, तो अभी तो डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा नहीं आपको, इसको होते क्लैशियस इनइक्वालिटी, आप बड़ा होगा इसको भाई, इसका मतलब बताओ क्या है कि होना हो क्यू इरिवर्सिबल क्या होता कम होता है क्या, इसका मतलब क्यू इरिवर्सिबल कम होगा ना, तो ये टर्म कम होगी तो ये टर्म क्या होगी ज्यादा आएगी, तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, नहीं आपको, तो मतलब सारे के सारे जो क्या होंगे मेरे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस उनके लिए नेट एंट्रोपी चेंज क्या है मेरे पास पॉजिटिव। इससे बेटा ये बात साबित होती है, इससे बेटा फिर ये बात साबित होती है कि जितनी भी हमारे पास क्या होंगी रिवर्सिबल प्रोसेस उन सभी का एंट्रोपी चेंज क्या होता है जीरो, लेकिन जितनी भी क्या होती है हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस उन सभी का एंट्रोपी चेंज बताओ क्या होता है ग्रेटर देन जीरो, क्या होगा पॉजिटिव। हम ये नहीं कह सकते, यहां से फिर एक और डेफिनेशन आती है कि ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस सॉरी ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ऑकर वियर नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी, नहीं आपको, अरे भाई ऑल स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस अपने आप होती है उन सब में क्या होता है वो क्या होती है थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, आप पढ़ा होगा नहीं इजंट इट, यानी नहीं आपको बेटा, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगी उनके लिए एंट्रोपी चेंज बताओ क्या है मेरे पास, नहीं आपको बट जितनी कहेंगी तो हमको एक रूल पता लग गया, तो यहां पर आपने एक तरह से आपको एक बेसिक आइडिया पता लग गया कि रिवर्सिबल के लिए क्या होता है और इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, अगर ये जीरो हो तो प्रोसेस क्या है रिवर्सिबल, ठीक है बात, और अगर क्या हो बेटा ग्रेटर देन जीरो तो क्या है इरिवर्सिबल, समझ गए बात, अगर इन दोनों का सम क्या ग्रेटर देन जीरो तो क्या है रिवर्सिबल और क्या क्या है इरिवर्सिबल, और सारे के सारे क्या जितनी प्रोसेस क्या होती है जिनमें वो सारी क्या होती है स्पॉन्टेनियस क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, समझे बात, ये क्या होते हैं अपने आप होएंगे, थोड़ा आप इसको आगे पढ़ोगे आपको पता लगेगा, हाँ बेटा बोलो हाँ बेटा
नहीं बेटा नहीं, इसको आप आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि जो एंट्रोपी चेंज होगा ना यहाँ पर, ये सिस्टम को वो आपने रिवर्सिबल का ही कंसीडर करना है, आपको क्या मालूम पड़ेगा इसको कैसे टैकल करना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करो, अभी आपको हम नहीं है एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना सिखाएंगे अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर। देखो, अगर आपने एक भी प्रोसेस का आपने क्या कर दिया, अगर किसी प्रोसेस के अंदर एक भी स्टेप क्या हो गया इरिवर्सिबल, तो पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी वो। तो इसमें अगर उसको एक पार्ट क्या रिवर्सिबल, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा उस स्टेप के अंदर तो हीट चेंज कैसा हुआ है, रिवर्सिबली। बात आपको पहले पढ़ रही है, कोई आप आगे आपको नहीं, और दिमाग में आपके क्लियर होएगा आगे। ठीक है, तो अभी देखो भाई, अच्छा बताओ, अरे कहाँ गया। अच्छा आप मुझे बताओ, इसको मैं प्रूव करता हूं कि बताओ क्या हुआ ये, आप हॉट एंड से कोल्ड एंड, क्या हॉट एंड से भाई कोल्ड एंड हीट फ्लो करना स्पॉन्टेनियस होता होगा ना, क्या हॉट एंड से कोल्ड एंड हीट फ्लो भाई स्पॉन्टेनियस नहीं करते नहीं क्या। तो मैं एक पैटर्न देखूंगा कि ये पता इसमें क्या होगा, ये इरिवर्सिबल, क्या मिलेगा हमको इरिवर्सिबल, इसमें नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी आएगा, क्या गया इसमें। हाँ बेटा बोलो। कोल्ड से वाटर कैसे होता स्पॉन्टेनियस, हीट कभी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तरफ अपने आप कोई फ्लो करती है। हाँ तो बेटा हॉट एंड से कोल्ड एंड हीट है ये, बात आपको पहले पड़ी भाई, हॉट एंड वो और ठंडा नहीं होता, रखा रखा, बात आपको पहले पड़ी, उसमें एफर्ट लगता है, वो होता नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता वो, हाँ मतलब और ठंडा हो जाए तो हम बोले कि कोल्ड एंड से हीट उड़ गई है। हाँ वेरी गुड, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये निकाल लो आप। ठीक है बात, अब आप मुझे बताओ, मान लिया कोल्ड एंड से हीट ट्रांसफर हुई, बेटा क्यों, क्या क्यों कोल्ड एंड से क्यों हीट ट्रांसफर होगी T1 टेम्परेचर पे, सॉरी हॉट एंड से बेटा क्यों हीट लॉस होगी। ठीक है, तो बताओ हॉट एंड पे एंट्रोपी चेंज क्या हो, तो बेटा अगर मान लिया हॉट एंड से एंट्रोपी चेंज, आप बताओ भाई क्या आएगा हमारे पास, एंट्रोपी का लॉस क्या आएगा हमारे पास, तो नहीं हम बोलेंगे बेटा माइनस क्यू बाई T2, क्यों हॉट एंड कितने पे T2 पे, कोल्ड एंड किसे मान लो आप T1 ही मान लो, हॉट एंड मान लो T1 T2 पे और कोल्ड एंड बेटा T1 पे, तो हॉट एंड से कितनी हीट लॉस होगी, क्यों हीट लॉस होगी। ठीक है बात, लेकिन वो तो ये कहां चली गई, कोल्ड एंड पे चली गई, तो उस पे बताओ कितना एक तरह से एंट्रोपी गेन हुआ है, वहां पर ये हीट वहां पर पहुंच गई ना, वहां पर तो फिर T1 पे हीट गेन हुआ होगा। क्या बेटा, हाँ इन्वर्टेड टू रखा है, उसको बेटा बाद में इंटीग्रेट हुआ, आपको बताएं कैसे होता है वो, फिर कहीं उसमें आपको फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होगा, एंट्रोपी निकालते हैं, आपको बताएं कैसे निकालते हैं वो, समझे मेरी बात। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में इसको सीख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम फिर इसको मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इसको करते जाएंगे, कि जब टी भी चेंज हो मतलब टेम्परेचर बढ़े, और बताओ क्या हो, और एंट्रोपी भी क्या हो बड़े, वो तब तो कैसे निकालते हैं, समझो। फिलहाल तब क्या करो कि मान लिया T2 टेम्परेचर पे कितना हीट लॉस है, क्या हो, और T1 पे कितना गेन है, क्या हो, तो क्या हो भाई T1 होगी हमारे पास, तो ये तो क्या है और ये क्या है, ये भाई T2 पे क्या है हीट लॉस। अरे भाई मान लिया T2 से T1 टेम्परेचर क्यों हीट ट्रांसफर करगी, क्यों हीट मतलब 500 जूल हीट ट्रांसफर करगी यहां से वहां पर, तो आप मुझे तो, ये बेटा आपने क्या मान लिया, मान लिया ये आपने क्या मान लिया बताओ, तो इन दोनों को जोड़ियो तो नेट एंट्रोपी चेंज कैसे आएगा, तो मेरे पास इन दोनों को जोड़ियो तो माइनस, तो क्यों कॉमन आ जाएगा अंदर, कह जाए बताओ भाई 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2,
टी टू हो जाएगा नहीं, इजंट इट, टी टू हाई है। अब बेटा बताओ, ये बताओ क्या मेरे पास, ये एलसीएम क्या मेरे पास, नीचे क्या जाएगा टी वन टी टू, ऊपर क्या जाएगा मेरे पास टी टू माइनस टी वन, यहाँ है क्या। अब टी टू ज्यादा होगी, टी वन ज्यादा होता है, थोड़ा नीचे क्या मल्टीप्लाई टेम्परेचर्स की, ऊपर क्या डिफरेंस पॉजिटिव और हीट पॉजिटिव है ही, मतलब ये तो नेट हीट भाई, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है मेरे पास। तो क्या हॉट एंड से कोल्ड एंड जाना क्या ये अपने आप एक बेटा ये स्पॉन्टेनियस नहीं आया क्या, आया आपको सुन में, बताओ। अब बताओ क्या हमारे पास इरिवर्सिबल, सॉरी अच्छा बताओ, और अगर बताओ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बताओ क्या हो, आपको क्या मैंने हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं अभी, आपको क्या पढ़ाएंगे, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये एक इरिवर्स क्या, हॉट एंड से कोल्ड एंड हीट फ्लो करना एक इरिवर्सिबल घटना होती है ना, उसका एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव है ना, क्या उसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, और ये क्या होता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, किसी गैस का इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, मान लो बेटा कोई गैस एक्सपेंड हो रही है अगेंस्ट वैक्यूम, अगेंस्ट वैक्यूम, अब आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी यहां पर क्या है जीरो है, तो डेल्टा वी भी क्या होगा यहां पर जीरो होगा। अब बताओ बेटा डी क्यू भी यहां पर क्या होगा जीरो, नहीं आपको, तो आप बताओ कि बेटा बताओ इसका कितना एंट्रोपी चेंज आएगा सराउंडिंग का, सराउंडिंग ने सराउंडिंग का टेम्परेचर बताओ कितना बढ़ेगा अगर अगेंस्ट वैक्यूम एक्सपेंड हो रहा है, अगेंस्ट वैक्यूम बेटा क्यों जीरो आया करता ना, अगेंस्ट वैक्यूम क्यों क्या करता जीरो आया करता ना, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो सराउंडिंग ने कितनी हीट गेन की है जीरो, तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या आएगा जीरो बाई टी, जो भी जीरो आएगा ना, लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो अगेंस्ट वैक्यूम ऊंचे बेशक क्या, तब भी बेटा उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, पता कितनी होगी, आप आगे पढ़ोगे वो कितनी होती है, वो होगी आपकी नहीं, वो आपकी होगी आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये तो क्या हमारे पास ये सिस्टम का, लेकिन क्या होगा एंट्रोपी चेंज बढ़ गया, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज बताओ क्या होगा भाई बढ़ गया, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ये कैसे आप आगे पढ़ेंगे कैसा था ये, तो इनका सम करिए बेटा आप, तो डेल्टा एस डी एस टोटल क्या है यहां पर डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग, डी एस सिस्टम क्या आएगा आर एल एन वी टू बाई वी वन होगा, और ये क्या होगा जीरो, तो जीरो परसेंट थिंक क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा। आप आगे इनको आपको नहीं आगे निकालना सिखाएंगे, और ये बेटा मैं आपको पढ़ाया था, अगर मान लिया हमारे पास क्या है हीट ट्रांसफर डी क्यू क्या हुई है वन बाई टी वन से वन बाई टी टू, अरे मैंने आपको अभी मैंने आपको बताया था, अब टी टू ज्यादा है टी वन कम है तो ये वैल्यू सारे क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, नहीं समझे बात, तो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस में बताओ एंट्रोपी चेंज क्या आएगा पॉजिटिव, समझ गए बात, और सारी रिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज तो क्या आएगा नेगेटिव, फिर जीरो आएगा, और बेटा नेगेटिव आए तो वो होंगी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होंगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस, बताओ आपको पहले पड़ेगी, क्योंकि जो इरिवर्सिबल होती है क्या स्पॉन्टेनियस, इरिवर्सिबल के लिए क्या है सारी स्पॉन्टेनियस है ना, उनके लिए डेल्टा पॉजिटिव आया है, तो सारी नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, आ गया आपको ये। अब बताओ एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स, अब आप ही बताओ हमारा जो यूनिवर्स है क्या वो लगातार एक्सपेंड नहीं कर रहा है क्या, कोई आपसे पूछ ले क्या हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है, अगर भाई हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है तो ये क्या हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब अपने आप एक्सपेंड कर रहे हैं नहीं, तो इसके स्पॉन्टेनियस है तो इसके लिए एंट्रोपी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तुम क्या बोलेंगे यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार, भाई ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकल इरिवर्सिबल, और क्या बोलेंगे ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑकर विया नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी, तो अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन क्या है स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल है तो इसके लिए बेटा नेट एंट्रोपी चेंज तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, बेटा बोलो क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, हाँ बेटा यूनिवर्स ने सब घुसा लिया पूरा यूनिवर्स, उसमें स्टार वगैरह
हाँ बेटा, स्टार्स होंगे ब्रेन, उस और उस वो भी तो होती है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर भी होता है वो बेटा। तो हम तो भाई इस आर्गुमेंट के बारे बोलते हैं कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्पॉन्टेनियस है और सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है? पॉजिटिव। तो यूनिवर्स के लिए भी क्या हुआ? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और ये बात ध्यान रखियो, अगर मान लिया एक होता है ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, क्या आमतौर पर बच्चे मानते हैं कि अगर मान लिया, एक बेसिक आइडिया ये है, आमतौर पर मानते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाए ना तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ऐसा हमेशा नहीं होता भाई, ये डिपेंड करता है कि हीट गेन हुआ कि हीट लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता, आइस है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है किससे? वाटर से, इजंट इट? लेकिन जब आप आइस बनाते हो तो वॉल्यूम बेशक बढ़ती है लेकिन हीट लॉस होता है ना। जब आप पानी से क्या बनाते हो? आइस। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस का पानी क्या बन जाएगा? 0 डिग्री पे आइस बनाएगा ना। तो इसमें क्या होगा? क्या वहां पर ऑर्डरनेस, ऑर्डर जो होगा बढ़ जाएगा पार्टिकल्स में, तो क्या वहां पर हीट लॉस हुआ, गेन हुआ है? नहीं, जब पानी से आइस बनती तो हीट लॉस होता है, तो वहां पर क्या होता है? एंट्रोपी चेंज नेगेटिव। तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एंट्रोपी घटती है। आप इसको ऐसे मान सकते हो कि भाई क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या है? क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर आ गया पार्टिकल्स में, समझे बात? तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एंट्रोपी घटती है। और ड्यूरिंग मेल्टिंग मतलब एक सिंपल रूल ये है, अगर सिस्टम हीट लूज करे तो मानो उसकी एंट्रोपी घट रही है, और सिस्टम हीट गेन करे इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। इवन अगर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा ना, क्या अगर हमारे पास बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पानी है और वो क्या बन जाए आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस पानी हो जाए, तब भी उसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, समझे बात? ऐसे केस में एंट्रोपी कैसे आपको आगे पढ़ाएंगे, समझे बात? ओके, नहीं आपको? अब बताओ क्या है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट फ्लो। तो एक तो आपसे अब आपने पूछना इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं कि आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोसेसेस हैं उनमें आपसे पूछ लेंगे, बताओ एंट्रोपी निकालो कितना चेंज आएगा एंट्रोपी में। तो उसमें एक तो क्वेश्चन आते हैं एंट्रोपी हीट फ्लो के, तो ये बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये होता है टी टू एंड से, टी टू क्या है? हाई टेम्परेचर, टी वन क्या है? लो टेम्परेचर। तो टी टू एंड पे वही हीट लॉस हुई है और टी वन पे हीट गेन हुई है, तो टी टू पे क्या होगा? माइनस क्यू बाई टी टू, और टी वन पे क्या होगा? प्लस क्यू बाई टी वन, दोनों को जोड़ दो भाई। अरे वो हीट लॉस और हीट गेन होगी ना यहां पर, तो मेरे को मन निकाल लियो, तो क्यू बाई वन बाई टी माइनस वन बाई टी टू। तो कोई बोल दे 5000 जूल हीट ट्रांसफर हुई है 400 से 300 केल्विन, क्या आएगा एंट्रोपी चेंज? बताओ क्या बोलोगे आप? यहां पर लिखो 5000 जूल, यहां पर लिखो 400 और यहां पर लिखो 500 केल्विन, क्या आ जाएगा मेरे पास? एंट्रोपी चेंज, इजंट इट? अब बताओ क्या आएगा? वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब बेटा क्या है, पहले हम आपको पढ़ाएंगे वेरिएशन ऑफ, अब भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोपी का वेरिएशन विद टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। आप इसका सिंपली एक एक्सप्रेशन भी याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बात? अगर आप इसका फाइनल रिजल्ट याद कर लेते हो ना, तो उससे आपको सारे वेरिएशन मालूम हो जाएंगे। लेकिन वो हमने मालूम कैसे किया है बताओ? आप ये बताओ सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होता क्या? बताओ किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होता है? डीएस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डी क्यू बाई एस, क्या होता था? क्यू बाई टी होता होगा, तो डीएस क्या होगा? डी क्यू बाई टी, इजंट इट? और टी क्या है? कॉन्स्टेंट। आपने बेटा बोला था ना कि टी तो वेरी करता, तो क्या करेंगे अभी आपको पता लगेगा, ठीक है? नहीं आपको, अब आप ये बताओ अगर डीएस क्या होता है, डीएस क्या होता है? डी क्यू बाई टी हो गया ना, इजंट इट? लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वहां बेटा बताओ क्यू क्या होता है, वहां क्यू क्या होता है बताओ? क्यू इज इक्वल टू
डेल्टा ई बताओ क्या था, क्या था माइनस डब्ल्यू था ना हमारे पास, इजंट इट। अब बताओ डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल्टा वी। डब्ल्यू क्या होता बेटा, एक्सपेंशन, पी डेल्टा वी होता होगा ना, माइनस का एक्सपेंशन क्या, तो भाई माइनस में इसका प्लस हो जाएगा, तो क्या क्या होता बेटा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता होगा, है ना। लेकिन यहां पर इंटरप वाले फॉर्मूले में लिखा क्या हुआ है यहां पर, डीएस के लिए डी क्यू लिखा हुआ है, तो क्यों मेरे पास, तो मेरे पास डी क्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू बताओ क्या जाएगा, डी ई प्लस पी डी वी आ जाएगा ना, नहीं स्मॉल चेंज इजंट इट। तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, ये डी क्यू इज इक्वल टू बताओ डी ई प्लस पी डी वी। अब बेटा ये जो इसकी वैल्यू है आप इसे कहां पुट कर सकते हो, तो डीएस के एक्सप्रेशन में, तो डीएस मेरे पास क्या है, आप कह रहे थे ना कि टी अगर कॉन्स्टेंट है तो टी अगर बहुत बदल जाए तब हम एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी निकालना बहुत ईजी होता है, क्योंकि टी कॉन्स्टेंट है, सिंपली हीट चेंज ऊपर पुट कर दो, उससे भाग कर दो, आसान होता ना भाई। लेकिन अगर टी वेरी भी करता हो तब एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, नहीं मत आपको पले पड़ी, तब आपने लॉजिक तो आपने यही इस्तेमाल करना है। ओके अजय, ओके हाँ बेटा, तो मेरे पास, तो मेरे पास डीएस क्या था, मेरे पास डीएस क्या है मतलब डी क्यू बाई टी है। अब डी क्यू क्या होता मेरे पास, डी ई प्लस पी डी वी बाई बेटा क्या क्या बस ये टी, इजंट इट। बताओ यहां हमने बेटा सिंपली ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप एक काम करो, आप इस टी को इस साइड ले कह सकते हो, तो क्या मेरे पास ये टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। अब बताओ सी वी क्या होता है, क्योंकि मुझे कौन अगर टेम्परेचर वेरी करे तब एंट्रोपी कैसे निकाल, मुझे भी ये पता करना है ना, तो आप इसको साइड, तो क्या मेरे पास ये, तो टी डी एस इज इक्वल टू ठीक है। अब बताओ बेटा सी वी क्या करता, सी वी सी वी क्या करता, डी ई बाई डी टी करता ना, तो बेटा अगर सी वी आया करता तो डी ई क्या होता है, सी वी डी टी भाई, ये क्या हुआ सी वी डी टी। तो डी ई की जगह मैं सिंपल कैलकुलेट हो गई सी वी डी टी, आप क्या यहां पर पुट नहीं कर सकते क्या, बताओ कहां पर गया, बोलो ये बताओ क्या मेरे पास, तो डी इज इक्वल टू सी वी डी टी। और ये और बताओ कि यहां पर हमारे पास ये क्या है, पी डी वी ना, अब पी वी क्या करता हमारे पास, आर टी आया करता ना एक मोल के लिए, थोड़ा पी की वैल्यू क्या होती है आर टी बाई वी। तो यहां पर बताओ मैं क्या पुट कर सकता हूं, आर टी बाई वी पुट कर सकता हूं, इजंट इट, आसान है मुश्किल है। अब बेटा बताओ अब इस टी को हम किस साइड फेंक सकते हैं, बताओ दूसरी साइड, तो मेरे पास डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि आपने है ना कि अगर टी वेरी करे तब एंट्रोपी कैसे निकाले, है ना, तो ठीक क्या हो जाएगा, तो सी वी डी टी बाई टी, और ये बेटा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या प्लस ये बताओ आर बाई वी इंटू डी वी आ गया ना मेरे पास, बताओ हाँ शाबाश। अब बताओ बेटा ये मेरे पास डी एस की वैल्यू आएगी, लेकिन मुझे पता करना अगर टी वेरी करता हो तब मैं एंट्रोपी कैसे मालूम करूं, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर टी वेरी कर रहा है तो आप बेटा इसको टी वन से टी टू आप किस क्या करो इंटीग्रेट करो, आप इसको बेटा टी वन से टी टू क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, इजंट इट। और इसको बेटा वी वन से मान लिया गैस एक्सपेंड हो रही है, अब क्या करो इसको क्या करो वी वन से वी टू एक्सपेंड कर दो, और ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास ये एस वन से एस टू, तो ये बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, अरे भाई ये एस आ जाएगा इसका, और अपर लिमिट क्या होगी एस टू, लोअर लिमिट एस वन, तो डेल्टा एस क्या जाएगी डेल्टा एस। अब बताओ बेटा वन, अब सी वी तो कॉन्स्टेंट होता है, तो वन बाई टी क्या होता है एल एन टी होता होगा, तो एल एन टी लिख के टी वन और टी टू अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो एल एन टी टू में एल एन टी वन क्या गया एल एन टी टू बाई टी वन, तो एल एन टी टू बाई टी वन आ गया, प्लस में क्या गई है आर बेटा कॉन्स्टेंट है तो आर ऐसे रखो, वन बाई वी क्या होगा एल एन वी,
और लिमिट क्या है, वी टू वी वन क्या हो गया, एल एन वी टू बाई वी वन आ गया। अभी लिखना है इसको, ऐसे लिखो तो मेरे पास क्या गया, तो मेरे पास फाइनली बताओ कौन सा एक्सप्रेशन आया, बताओ। तो ये बेटा आपके पास क्या गया, आपके पास एंट्रोपी चेंज आ गया। अगर टी भी वेरी करता हो और आपके पास बताओ क्या वेरी करता हो, और वी भी वेरी करता हो, तुम क्या बोलेंगे, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू बताओ क्या आया, सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये आ गया मेरे पास। ये तो कोई ये कह दे तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ नहीं आप सर कोई कोई ये बोल दे कि बताओ एंट्रोपी चेंज निकालो, अब क्या करो भाई, एंट्रोपी चेंज निकालो, अगर कोई गैस है वो पांच मोल से क्या भाई, नहीं कोई कह दे कि वो उसका टेम्परेचर डबल हो गया, क्या हो गया, अगर हमने किसी गैस को ट्वाइस तो हीट कर दिया, क्या कर दिया उसको मैंने, और वॉल्यूम उसकी वन फोर्थ कर दी, क्या हीटेड ट्वाइस बट वॉल्यूम इज रिड्यूस टू वन फोर्थ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये, तो टी वन क्या मानो टी, टी टू क्या मान टू टी, है ना, तो क्या होगा बताइए, तो टू टी बाई टी, टी सी टी कैंसिल एल एन टू, तो सी वी एल एन टू आ गया, और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये वी वन तो वी है, ये वी बाई फोर आ गया, तो वन बाई फोर आ गया, वी सी कैंसिल टू की पावर टू पर आ गया, टू की पावर माइनस टू हो गई, माइनस टू आ गया, तो माइनस टू आर एल एन टू, नहीं आपको नहीं आपको शुभांगी ऐसे क्वेश्चन बेटा आराम से कर लोगे। अच्छा एक और बताओ, तो आपको ये तो कि मेरे पास क्या आ गया कि जब टी और वी बदलते हो, क्या जब कोई गैस एक्सपेंड होती है तो क्या होगा, टेम्परेचर बदलेगा उसका, उसकी वॉल्यूम बदल रही है, मान लिया अगर वॉल्यूम बदल रही है तो उसका प्रेशर भी बदल रहा है, इजंट इट। तो अगर आपको टेम्परेचर का वेरिएशन और आपको वॉल्यूम का वेरिएशन बता दे तभी फॉर्मूला, लेकिन अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन आपको तब क्या होगा, तब हमको पता है, बताओ क्या होता हमारे पास पी वन वी वन क्या होता हमारे पास, नहीं बेटा आपको, लेकिन एक बात आपने यहां पर भाई गौर करनी पड़ेगी, बताओ यहां बेटा सिर्फ ऐसे रहेगा हमारे पास, हाँ बताओ, अब बताओ पी वन वी वन क्या होता हमारे पास, बताओ हमारे पास बेटा पी वन वी वन क्या होगा, आर टी वन, और पी टू वी टू क्या हमारे पास, ये आर टी टू रहेगा, तो पी टू वी टू बाई पी वन क्या होगा, आर टी टू बाई आर टी वन होगा ना, Isn't it? तो बेटा बताओ V2 टू बाई वी वन क्या हो जाएगा मेरे पास, V1 वन पी टू इंटू टी टू बाई टी वन आ गया। तो आप बताओ बेटा आप V2 टू बाई वी वन को किससे रिप्लेस कर सकते हो, बताओ, नहीं आपको सिंपल बात है, आप V2 टू बाई वी वन बेटा, अरे भाई आप ये बताओ मुझे, आप मुझे बताओ कि अरे हमारे पास पी वन वी वन क्या था, पी वन वी वन क्या था, आर टी वन था, और पी टू वी टू तो क्या था, आर टी टू। तो बेटा वी टू बाई वी वन निकालियो, वी टू बाई वी वन क्या गया मेरे पास, आर टी वन बाई सॉरी वी टू क्या हो गया मेरे पास, आर टी टू बाई, अरे भाई आर टी टू नहीं, आर टी टू बाई P2 और इनटू क्या है मेरे पास, ये अरे R P2 और क्या गया, तो ये पलट जाएगा R T1 बाई, हाँ ये हो जाएगा बेटा P1 बाई R T1 हो जाएगा मेरे पास, ये इजंट इट। अब R सर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या होता है ये T2 P1 बाई बेटा T2 P1 बाई P2 T1 होता होगा ना, Isn't it? तो क्या है मेरे पास, ये यहां पर आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, T2 P1 by T1 P2 से आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते क्या, Isn't it? फिर आप क्यों उसको बेटा इसको आप सेपरेट कर लो, तो डेल्टा S इज इक्वल टू, एक बात और, CP माइनस CVR होता है, CP
माइनस सी वी आर होता होगा ना, इजंट इट। तो बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ। चलो आर तुम इसको कर लेंगे, अब बताओ। तो आर तो बेटा सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, ठीक है, प्लस अब बताओ क्या हो जाएगा ये, अब एम इन टू एन एम एन हो गया ना, इसको आप दो बार लिख सकते हो, बताओ कैसे। आप बेटा इसको आर और क्या हो जाएगा एल एन टी टू बाई टी टू बाई टी वन भी पॉसिबल है, और प्लस आर एल एन पी वन बाई पी टू भी आप इसको लिख सकते हो दो बार इसको, समझे बात। और आर दोनों साथ, आर दोनों के साथ भाई इनको आप एक्सपेंड करोगे तो आर दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होएगा, इजंट इट। अब बताओ बेटा सी पी माइनस सी वी क्या होता है हमारे पास, आर होता है, तो आर की जगह होता है लिखो सी पी माइनस सी वी लिखो। तो अब बताओ तो सी पी आर एल एन, तो ये क्या जाएगा मेरे पास, ये जाएगा सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। अब बेटा ये कैंसिल हो गया आपस में, क्या रह गया मेरे पास सी पी एल एन टी टू बाई टी वन आर एल एन पी वन बाई पी टू, है ना। बताओ क्या है मेरे पास, ये तो क्या सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन पी वन बाई पी टू। यहां पर क्या था मेरे पास, वी वन बाई वी टू, वी वन था ना, तो ध्यान बेटा वी की फॉर्म में हो तो सी वी और सी पी आ गया आपको ये। तो यहां पर आप अच्छा आपको ये बोल दे कि अगर कोई गैस किसी का टेम्परेचर तो ऑफ कर दिया और नहीं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डबल कर दिए, तो बताओ इंटरप चेंज क्या है, ये किसी गैस का टेम्परेचर भी और उस गैस का भाई बताओ उसका प्रेशर दोनों क्या कर दिए, डबल कर दिए, तो क्या हो जाएगा, तुम क्या बोलेंगे टी वी डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा सी पी एल एन टू टू टी वाई टी टू आ गया प्लस आर एल एन ये पी वन है ना, बेटा ये डबल कर दिया तो वन बाई टू आ गया ना, तो टू को ऊपर ले जाओ टू की पावर माइनस एक, तो क्या आएगा सी पी एल एन टू माइनस आर एल एन टू, तो एल एन टू बेटा कॉमन आ गया तो सी पी माइनस आर एल एन टू आ गया, क्या ये टू नहीं आपको ऐसे बेटा ऐसे बेटा उसको आप इसको कई तरह से रीअरेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भाई आई आई टी जेम में एम एस सी एंट्रेंसेस में खूब आते हैं, पता ना आपको इस चीज का कि नहीं पता। और बताओ भाई अच्छा तो फिर कहता है कि आइसो थर्मल प्रोसेस में क्या भाई उसमें दोनों टी क्या होते हैं टी टू और टी वन बराबर होंगे ना, अगर बेटा आइसो थर्मल क्या है प्रोसेस है तो टी टू और टी बराबर होंगे आपस में, तो टी ए बी टी और ये बी टी, तो एल एंड वन क्या होता है जीरो, तो ये टर्म जीरो ये टर्म जीरो, तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए कौन से, तो आर एल एन वी टू बाई वी वन एंड आर एल एन पी वन बाई वी टू आ गए दो फॉर्मूले नहीं आपको। अब बताओ एंट्रोपी चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या, आइसोकोरिक में क्या वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं आइसोकोरिक वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो यहां बेटा वी टू भी वी और वी वन भी वी, तो वी बाई वी क्या हो गया बराबर हो गया, तो ये हटा दियो क्या आ जाएगा सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। कोई आपसे पूछ ले किसी आइसोकोरिक प्रोसेस में टेम्परेचर फोर टाइम्स कर दिया, बताओ एंट्रोपी चेंज क्या आएगा बेटा सी वी एल एन एल एन फोर, हाँ टू एल एन शाबाश नहीं आपको टू सी वी एल एन टू टू सी नहीं बेटा कोई शाबाश। अच्छा कोई बोल दे आइसोबैरिक में, बोल दे आइसोबैरिक में, आइसोबैरिक में तो क्या गा? यहां पर दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो हट जाएगा, मतलब अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो इसको आप आसानी से कर सकते हो भाई, ध्यान रखना है सीवी की जैसी पी पेपर में आपको क्रैम होना चाहिए भाई, मैंने आपको काफी हद तक इसको डिराइव भी करवा दिया लेकिन अब बताओ क्या है? अब सोचिए बेटा अगर टी बदले तो कैसे मालूम करते हैं, टी ना बदले तब तो आसान होता है, टी ना बदले फिर तो बिल्कुल आसान हमारे पास, बताओ क्या होता है
वो तो सिंपली क्या होता है, क्यू बाई टी होता है एंट्रोपी चेंज, यानी हीट लॉस और गेन बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब आप मुझे बताओ, आपने पता करना है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, क्योंकि भाई एंट्रोपी वाले सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर कवर कर रखे हैं, सिर्फ स्पॉन्टेनिटी वाली चीज छोड़ के, क्योंकि उनके लिए मैंने अलग से टॉपिक बना रखा है, एक स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। तो पहले बेटा ये बताओ कि एंट्रोपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जब टी कॉन्स्टेंट होता हो तो क्या होता है हमारे पास, क्यू बाई टी होता होगा ना, इजंट इट। तो क्यू क्या, हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट, ये तो होता होगा। तो जब फेज चेंज होता है, जब कोई चीज क्या होती है, मेल्ट होती है या सब्लिमेट होती है, क्या बेटा फेस नहीं फेज, ठीक है, मतलब यहां पर भाई फेस तो और हालांकि वो बिजली में फेज ही होता है, ठीक है, नहीं हम यहाँ पर उसको फेस बोलते हैं हम, है ना, ठीक है। तो जब यहां पर जब फेज चेंज होएगा तो क्या टेम्परेचर चेंज होता है क्या, नहीं, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, क्या बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना। जब आप बताओ आपके पास जीरो डिग्री का आइस है, वो जीरो डिग्री की बर्फ बनाएगा तो वह ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा ना, बिना टेम्परेचर चेंज हुए, तो यहां पर ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं भाई, तो बड़ा आसान है, ऊपर क्या लिख दूं नीचे क्या वो टेम्परेचर और ऊपर हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट। तो बताओ, तो ड्यूरिंग फेज चेंज हमारे पास क्या होती है, अरे मोल दर एंट्रोपी ऑफ वेपरेशन, यहां पर क्या लिखो आप, एंट्रोपी ऑफ, अगर मान लिया मेल्ट हो रहे हैं तो क्या लिखो डेल्टा, क्यों क्या हो जाएगी डेल्टा एच फ्यूजन की, और ये क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएगा फ्यूजन पॉइंट, फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि उसको भाई मेल्ट करने में लगने वाली हीट, अगर मेल्ट करने में लगने वाली हीट को मैं किसे भाग कर दूंगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसमें मेल्टिंग पॉइंट से, क्यों किसे भाग होगा, अरे भाई ये क्यू बाई टी होता होगा, तो ड्यूरिंग मेल्ट, जब मेल्ट होता होगा तो टी कौन सा हो गया मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और हीट कितनी लगती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती होगी, तो क्यों क्यों किसके पेपर होगी डेल्टा एच फ्यूजन की, यहां पर कर दिया मैंने, नहीं आपको ये, और अगर क्या होता बताओ वेपराइजेशन, तो क्या करोगे आप, तो टी कौन सा आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और यहां क्या जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन का, और बेटा क्या होता हो सब्लिमेशन होगा, तो क्या हो जाएगा ये टी एस सब्लिमेटिंग टेम्परेचर, क्या सब्लिमेटिंग टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर वो चीज क्या हो जाए सीधे सब्लिमेट, ये क्या है सब्लिमेशन की हीट, समझे बात, सब्लिमेशन में लगने वाली हीट, ठीक है, नहीं आपको, अगर सब्लिमेशन हो रहा है तो ये क्या होगी पॉजिटिव, बोलो भाई, तो एंट्रोपी क्या होगा, अगर मैं ये कहूं कि सॉलिड क्या बन रहा है गैस सीधे, अगर सॉलिड क्या बन रहा है, अच्छा अब बताओ बेटा ये कैसे पॉसिबल है कि आप सीधे उसको गैस फेज में लेके जा रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल, हाँ नहीं नहीं अब मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, सिंपल बात कि आप क्या तुम चीजों को मेल्ट कर सकते हैं, अगर सॉलिड है उसको आपने हीट दी तो पहले क्या होता है मेल्ट होता है, फिर वो मेल्ट थोड़ी देर बाद क्या बनता है वेपर, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको हम सीधे क्या बनाएंगे, तो ऐसे कैसे पॉसिबल होता है, आप ये सोचोगे किसी भी सब्लिमेशन, कोई सब्लिमेशन का टेम्परेचर तो होना ही नहीं चाहिए, कैसे कैसे बिना वेपरेशन बिना लिक्विड बने वो सीधे गैस कैसे बन के बताओ, क्या आपके दिमाग में नहीं है कभी कि हम बोलते हैं कि सब्लिमेशन टेम्परेचर होता है एक, तो ऐसे कैसे हो गया भाई, वो चीज क्या होगी सब्लिमेट कैसे होगी, नहीं बेटा आप आगे पढ़ोगे ना फेज डायग्राम, क्या पढ़ोगे आप फेज डायग्राम, क्योंकि आप हर चीज को सोचते हो वाटर से, कि वाटर को हम क्या करते हैं गर्म करते हैं तो पहले तो मेल्ट होता है फिर वो वेपर बनता है, वो सीधा आइस से क्या नहीं बन सकता उड़ता है, लेकिन आइस भी हो सकती है ऐसी, तो बिल्कुल कोई भी चीज हो सकती है, नहीं बेटा वो नहीं छोड़ो इसको
हाँ बताओ, आप आइस को मेल्ट कर सकते हो? अगर आप आइस को हीट करते हो क्या होती है? पहले वो मेल्ट होती है, फिर क्या होती है वो, फिर लिक्विड, फिर वेपर होती है। तो आप सीधा जैसे नेफ्थलीन सीधा क्या होता है? वेपर बनता है। तो सोचते हो भाई उसके पास तो क्या है, फिर भी सब्लिमेशन टेम्परेचर है, वो सब्लिमेट होता है भाई। लेकिन इसके पास भी होता है। जब आगे पढ़ोगे ना फेज डायग्राम, पढ़ोगे फेज डायग्राम, ये सिर्फ क्योंकि क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ये क्या नहीं करता, इसका एक फेज डायग्राम होता है। समझे बेटा बात, क्या इसका फेज डायग्राम होता है? नहीं मैं तो पहले पड़ी। अब ये मान लिया क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 atm, कितना होता है ये 1 atm। तो ये होता है बेटा सॉलिड, ये होता है लिक्विड, और ये क्या होता है गैस फेज। क्या होता है ये? गैस फेज। समझे बात। तो अगर आप 1 atm, और ये क्या है, ये है प्रेशर, ये बताओ क्या है टेम्परेचर, ये होता किसी टेम्परेचर पे। अगर अगर बेटा 1 atmospheric प्रेशर है, 1 atmospheric क्या है प्रेशर, तो ये क्या है आपका तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस, और ये बताओ क्या आपका तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब हाँ बेटा, यानी ये प्रेशर है और ये क्या प्रेशर, वर्टिकल प्रेशर। तो आप 1 atm पे, आप 1 atmospheric प्रेशर पे आप क्या करते हो, आइस को आप गर्म करते हो ना, ये पानी का क्या होता है फेज डायग्राम। तो 1 atmospheric प्रेशर पे बताओ 0 तो क्या होता है ये सॉलिड, फिर क्या होता है लिक्विड, और फिर यहां पर क्या होता है ये गैस। लेकिन आप प्रेशर काफी क्या कर दो, कम कर दो, नहीं आपको बेटा, अगर आप प्रेशर काफी कम कर दो ना, नहीं समझे बात, तो ये सिद्ध क्या बन जाएगा, यानी 1 atm आप काफी कम ले आओ प्रेशर को, नहीं मतलब आपको पल पड़ी। और तब आप क्या करते हो, अगर आपने एटमोस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया ना, आपने नहीं समझे बात, और तब आप यानी आप एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर ले आओ, और तब क्या करो, आप आइस को आप गर्म करोगे ना, उसी दिन क्या उड़ सकती, क्या हो सकती है वेपर बदल जाएगी। बात आपको पहले पड़ी, नहीं आपको तो डिपेंड करता भाई, ये तो आप आगे आगे पढ़ेंगे आपको सारा, ये किसमें फेज इक्विलिब्रिया के अंदर आपका एक चैप्टर पूरा फेज पता कुछ चीज का। एक आपका केमिकल इक्विलिब्रिया, एक क्या आपका फेज इक्विलिब्रिया, आपका वही IIT JEE में लिखा भी हुआ है, फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट एंड टू कंपोनेंट सिस्टम्स। अगर आपको ये, तो ये क्या है सब्लिमेटिंग टेम्परेचर। तो अगर वो चीज वेपर में बन रही है, बदल रही है, तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, हीट लेनी पड़ेगी भाई, तो एंट्रोपी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर मान लिया सीधे वेपर से क्या बना रही है सॉलिड, तो हीट क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी, नहीं बेटा हीट, तब क्या होगी, वेपर से सॉलिड बने तो क्या हो जाएगा, हीट लूज करनी पड़ेगी, तब डेल्टा एच क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होएगा। अरे भाई अगर डेल्टा एच मेल्टिंग का होता है, मेल्टिंग का अगर मेल्ट हुए तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्रिस्टलाइज हुए तो डेल्टा एच नेगेटिव है, नहीं आपको ठीक है। मतलब अगर आइस से, अगर पानी से आइस बने तो डेल्टा एच ले लियो नेगेटिव, हीट निकलेगी, और आइस से तो ये बेटा पॉजिटिव ले लियो, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा। आगे आपको इसके ऊपर भी खूब क्वेश्चन आते हैं, पता आपको चीज का। अरे बोलो भाई, एक ट्राउटन सरोवर लो भी होता है, क्या होता है एक, हाँ वो ये होता है कि मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्या मतलब, 1 मोल सब्सटेंस को गर्म करने में लगने वाली हीट, एक फॉर 1 मोल सब्सटेंस को वेपराइज करने में लगने वाली हीट डिवाइडेड बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट 21, कितना होता है, पढ़ा हमने भी नहीं पढ़ा बेटा हमने। मतलब जैसे अगर मान लिया मैं ज्यादा पानी लूं, उसको बॉयल करूं, मेरे पास बेटा एक बकेट पानी है, मैंने उसको वेपराइज करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे आएगा, तो एक बकेट पानी को वेपराइज करने में लगने वाली हीट ऊपर लिख दो और नीचे क्या बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं 18 ग्राम पानी को गर्म करूं, और 18 ग्राम पानी के मैं क्या बनूं, भाप बनाऊं, नहीं आपको,
नहीं उठो पर, लेकिन 18 ग्राम पानी की क्या हो, 18 ग्राम पानी को वेपराइज करने में लगने वाली हीट बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 21 आएगा हमेशा। समझो बात, किसी भी मटेरियल के लिए क्या करो उसके आप 1 मोल इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। समझे बात, 18 ग्राम होगा ना, तो उसको भी इससे भाग कर दो बॉइलिंग पॉइंट से, क्या जाएगा वो। ओके अब बताओ भाई, तो ये बेटा आराम से कर लो ना क्वेश्चन, क्यों नहीं कर सकते। अब बताओ क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। अब बेटा क्या है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि आइडियल गैसेस की मिक्सिंग के दौरान आने वाला एंट्रोपी चेंज आप बताओ क्या होएगा, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। तो ये भाई दो तरह की आपसे वैल्यू पूछ सकते हैं, एक तो आपसे पूछ सकते हैं सिर्फ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। मान लिया हमारे पास दो गैसेस हैं, एक चैम्बर, ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, इसके बाद एमएससी एंट्रेंस में भाई जितने भी क्वेश्चन रखे थर्मोडायनेमिक्स के आप मेरे कोई भी क्वेश्चन लेके आइयो, ठीक है, IIT JEE में जो भी रखे। ओके ये बताओ क्या मेरे पास, इस चैम्बर में मेरे पास क्या है, गैस ए, इसमें क्या मेरे पास गैस बी, और यहां भाई हमने एक कॉर्क लगा रखा है, कॉर्क तो दोनों में रोक रखी है, ये अलग है ये अलग है। तो कोई ये कह दे तो अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या दोनों गैसेस आपस में मिक्स होना शुरू नहीं कर देंगे क्या, ठीक है, तो अगर दोनों गैसेस आपस में मिक्स होना शुरू कर देंगी तो इस मिक्सिंग की, इस मिक्सचर की, तो इस मिक्सिंग की वजह से आने वाला एंट्रोपी चेंज आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, इसका बेटा फॉर्मूला होता है डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस, ये क्या होगा बताओ, माइनस आर समेशन, सॉरी इनटू, मतलब क्या करो, ये बेटा क्या होगा n1 ln x1 प्लस n2 ln x2 प्लस n3 ln x3 एंड सो ऑन, या फिर मैं क्या बोलूं, माइनस आर समेशन ni ln xi, जहां पर बेटा ni तो क्या है ith स्पीशीज के, ith टाइप गैस के मोल, और xi क्या उसका मोल फ्रैक्शन, xi क्या उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है बात। क्योंकि भाई आपको न्यूमेरिकल करने आने चाहिए फिजिकल में स्पेशली, समझ, कॉन्सेप्चुअल तो आपको आने चाहिए भाई, समझे बात, कॉन्सेप्ट आपको आते हैं आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये दोनों चीज साथ चलती हैं, कॉन्सेप्ट आपको नहीं तो आपको न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते, ठीक है बात। तो माइनस आर एन आई एल एन एक्स ये हो गया हमारे पास, इसको तो बोलते हैं बेटा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, क्या बोलते हैं इसको शुभांगी, पर एक होती है मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, क्या अगर ये बोल दे कि ना मुझे तो ये बताओ कि मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, तब बताओ क्या करना होता है, तो माइनस आर ऐसे बिल्कुल, बल्कि इसको ऐसे लिखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई एल एक्स वन एल एन एक्स वन प्लस एक्स टू एल एन एक्स टू प्लस एक्स थ्री एल एन एक्स थ्री एंड सो ऑन, यानी क्या हो गया माइनस आर समेशन एक्स आई एल एन एक्स आई, यानी यहां पर क्या है वसंतर क्या है, माइनस आर दोनों में ना, और समेशन में क्या है, अगर मोल एल एन मोल फ्रैक्शन, मोल एल एन तो मोलर एंट्रोपी, और मोल फ्रैक्शन एल एन मोल फ्रैक्शन हो तो क्या हो जाएगा मोलर एंट्रोपी, नहीं आपको इसको बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए ही बताने की ट्राई करूंगा, ये क्वेश्चन भाई एमएससी एंट्रेंसेस में आए हुए हैं, ठीक है बात। चलो आप ये बताओ, एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूं, ठीक है ना, ओके बताओ, अगर बेटा कोई बोल दे, मान लिया हमने गैसेस मिला दी 2 मोल N2 1 मोल O2 और बेटा 3 मोल Cl2 मिला दी, मैंने क्या क्या गैस मिला दी बताओ, 3 मोल Cl2। तो मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताओ कि यहां पर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या आएगी,
तो क्या करना आपने बताओ, आपको होगे कि माइनस आर ऐसे ही बेटा समेशन कर रहे हैं हम, बताओ अब क्या है? पहले बताओ सभी क्या, तो मोल दे रखे एन वन एन टू एन थ्री दे रखे बेटा, इनके एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री निकाल लो, टोटल मोल पांच, तो इसका क्या है दो बटे पांच, इसका क्या होगा एक बटे पांच, तीन बटे पांच है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस आर, अब तो क्या हो जाएगा, तो दो एल एन दो बटे पांच, क्या तो क्या जाएगा दो एल एन दो बटे पांच प्लस एक एल एन एक बटा पांच प्लस तीन एल एन तीन बटे पांच, नहीं बेटा कोई ऐसे इनको जोड़ दो, तो ये मेरे पास एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आ गई। हाँ बेटा बताओ, अगर यहीं पर मैं ये बोल देता ना कि ना मुझे तो ये बताओ कि मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, बताओ क्या आएगा, तो यहां पर ये यूज नहीं करने, क्या होगा सिंपली मोल फ्रैक्शन निकालो, तो क्या हो जाएगा तो टू बाई दो बटे पांच एल एन दो बटे पांच, एक बटा पांच एलन एक बटा पांच और तीन बटे पांच एलन एक तीन बटे पांच, क्या इन नीचे बेटा मोलर एंट्रोपी के लिए होगा, यानी यहां पर मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल करने होते। अब मैं क्वेश्चन बोलता हूं भाई, जो एम एस जो एमडीयू में रखा है, एक क्वेश्चन है एमडीयू में रखा, वो क्वेश्चन पता नहीं एमडीयू के एंट्रेंस में है या के यू के एंट्रेंस में है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नेट से रिपीट हो रखा है, क्या ये बेटा क्वेश्चन नेट के एग्जाम से क्या हो रखा है, रिपीट हो रखा है एम एस सी एंट्रेंस में, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो ये बी एस सी लेवल का है ना, तो कहता है वन मोल सी ओ टू वन मोल एन टू वन मोल ओ टू सॉरी टू मोल ओ टू मिला दी, क्या क्या मिला बताओ, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बताओ, क्या बोला है वन मोल सी ओ टू बेटा वन मोल एन टू, शाबाश भूल गए हैं, टू मोल ओ टू टू मोल ओ टू है, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बताओ, तो क्या क्या बताओ, चार ऑप्शन दे रखे बेटा, कुछ नहीं करना है, सब बेवकूफ बनाने के लिए होता है, हाँ कुछ नहीं करना है इसका, अब तो कहेगा तो माइनस, तो कहेगा तो माइनस आर ऐसे ही लिखो, अब क्या हो जाएगा, पहले बता दूंगा मोल फ्रैक्शन क्या है, तो एक बटा चार है, एक बटा चार है और दो बटे चार है, क्या इसका सही बताओ, बताओ क्या मेरे पास, ये क्या है मेरे पास वन एल एन वन बाई फोर प्लस वन एल एन वन बाई फोर वन एल एन वन बाई फोर प्लस टू एल एन टू बाई फोर, ये आ गया मेरे पास इजंट इट, अब बेटा ये वन बाई फोर था ना, के वन बाई फोर, इसको आप ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो, लिखो ऑप्शन में नहीं रखा, ऐसे इसको लिखो टू की पावर माइनस टू लिखो, ये वन टू टू की पावर माइनस टू, बेटा ये क्या है वन बाई टू, तो टू की पावर माइनस वन हो गया, अब यहां बेटा क्या हो गया, तो माइनस आर ऐसे की ऐसे माइनस टू आ गया, आ गया टू एल एन टू आ गया प्लस सॉरी माइनस क्या आ गया बेटा माइनस टू एल एन क्या बेटा माइनस टू एल एन टू आ गया भी, और ये भी क्या आ गया माइनस वन आ गया, आ गया माइनस टू एल एन टू, अरे माइनस वन आ गया यहां पर फिर से माइनस हो गए, हाँ हाँ तीनों माइनस है, माइनस टू एल एन टू माइनस टू एल एन टू माइनस सिक्स एल एन टू, क्या हो गया माइनस माइनस सिक्स एल एन टू हो गया ना, तो माइनस और कैंसिल हो गया, क्या गया सिक्स, अरे भाई आर सिक्स एल एन टू सिक्स आर एल एन टू, क्या हो गया भाई सिक्स एल एन टू आ गया अंदर माइनस हटके और बाहर आर भी है, तो सिक्स आर एल एन टू, बताओ बात आपको पहले पढ़ रही है, और बताओ ये कहता है वाटर के लिए इंथैल्पी ऑफ वेपरेशन 41 किलो जूल पर मोल होती है, ये कहता है अगर 100 डिग्री पे वाटर है, क्या है अगर भाई 100 डिग्री नहीं, अगर हमारे पास मतलब कहता है वाटर की मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपरेशन कितनी होती है बताओ, 41,000 जूल 41 किलो जूल पर मोल, नहीं आपको क्या बोले इसने डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होती है इसकी, उसकी बताओ 41 किलो जूल पर मोल होती है, नहीं समझे बात, मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन
एट 1 atmospheric प्रेशर विल बी इक्वल टू, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था ट्राउटन रूल में क्या बोला था कि डेल्टा एस डेल्टा नहीं अरे डेल्टा एस डेल्टा एच बाई टी है ना, बताइए कितना हमारे पास 41,000 नहीं आप उसमें बताओ हमारे पास क्या होता है, अरे भाई द मोलर एंट्रोपी ऑफ एपरेशन एट 1 atmospheric प्रेशर विल बी इक्वल टू, तो क्या हमारे पास, अरे भाई आप ये बताओ आप यहां पर इसको 41,000 से भाग कर दो तो 373 से भाग करने पर तो क्या मेरे पास ये 110 के आसपास आएगा, ये आगे मेरे पास भाई ठीक है। तो सिमिलरली एक बताओ क्या हमारे पास, हम क्या बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी प्रोपोर्शनल टू, बोलो भाई एल एन वी और प्रोपोर्शनल टू वी और वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल एन वी, भाई क्या था प्रोपोर्शनल टू एल एन वी नहीं आया था क्या हमारे पास, एल एन वी टू बाई वी वन नहीं आया था क्या, फिर तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, सी ऑप्शन आ गया ना। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।